दोस्तों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलन रंजीत लगभग 200 फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो लगभग 150 फिल्मों में जबरदस्ती वाला सीन कर चुके हैं। बॉलीवुड में एक समय ऐसा था जब फिल्म को हिट कराने के लिए एक जबरदस्ती वाला सीन डाला जाता था। इंडस्ट्री में रंजीत की पहचान एक अलग ही मुकाम पे थी, यहाँ तक कि रंजीत के घर वाले भी उनसे नाराज रहने लगे थे। उनके पिता अक्सर उनसे कहते थे कि अमृतसर जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा। लेकिन एक बार जब उन्हें धक धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी के साथ ये सीन फिल्माना था तो माधुरी ने उन्हें सेट पर ही जमकर फटकार लगा दी थी। सन 1989 में फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा की इस सीन में माधुरी दीक्षित के साथ रंजीत को जबरदस्ती वाला सीन करना था। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और विनोद मेहरा लीड रोल में थे, जबकि रंजीत को विलन की भूमिका दी गई थी। इस सीन को शूट करवाने से पहले माधुरी दीक्षित काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन डायरेक्टर के समझाने पे वो सीन करने के लिए मान गयी। रंजीत की छवि में विलन की बन चुकी थी, माधुरी रंजीत को देख कर घबरा रही थी। सीन शूट होता है और रंजीत अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं और माधुरी को तकलीफ होने लगती है। रंजीत स्क्रिप्ट से ज्यादा रिएक्ट कर रहे थे। जैसे ही सीन खत्म होता है तो माधुरी कांपने लगती हैं। कहा जाता है कि ये सीन खत्म होते ही रंजीत पर भड़क जाती हैं और धक्का देकर बोलती हैं कि ऐसी हरकत करने पे आपको शर्म नहीं आती, और सबके आगे उनको फटकार लगा देती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।